हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैप्टर नंबर 10 एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नंबर 10 चैप्टर जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ। क्या क्या होगा अभी देखते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू यंग आर्टिस्ट। इस स्टोरी में दो नौजवान आर्टिस्ट दिखेंगे, एक का नाम सू, एक का नाम जॉन्सी। जॉन्सी फॉल्स इल विद निमोनिया। जॉन्सी किससे बीमार होगी? निमोनिया से। और शी डेवलप्स अ सुपरस्टिशन दैट शी विल डाई द सेम मोमेंट लास्ट लीफ ऑफ द आईवी क्रीपर आउटसाइड हर विंडो फॉल्स। क्या क्या हुआ? जो ये थी अपनी जॉन्सी, उसने एक सुपरस्टिशन का मतलब होता अंधविश्वास, पाल लिया कि उसकी मौत हो जाएगी उसी क्षण जिस क्षण ये जो आईवी क्रीपर है, आईवी क्रीपर का मतलब होता है एक बेल है, मनी प्लांट समझ लो या कोई भी प्लांट जिसकी बेला चलती है, जैसे ही बोले इसकी आखिरी पत्ती गिरेगी तब मैं भी निपट जाऊंगी। ड्यू टू दिस सुपरस्टिशन हर इलनेस बिकम साइकोलॉजिकल। अब उसकी बीमारी साइकोलॉजिकल हो गई। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक तौर पे बीमार है, वो सच्ची मुच्ची बीमार नहीं है, मन बीमार है। देयर इज वन ब्राह्मण एन ओल्ड पेंटर। एक ब्राह्मण है, वो ओल्ड पेंटर है, वो जॉन्सी की मदद करता है, ग्रीन कलर की बनाता है। अब देखते हैं अपन इसकी समरी इंग्लिश में क्या क्या होगा। समझ में तो आ गया, दो आर्टिस्ट रहेंगे, स्यू जॉन्सी एक ब्राह्मण, तीन ही कैरेक्टर है। बोलो कौन कौन से? सू, बोलो सू, उसके बाद बोलो ब्राह्मण और जॉन सी। ये तीन कैरेक्टर में पूरी स्टोरी होगी। मैं आपको इसका पिक्चराइजेशन भी करके दूंगा, अभी नहीं आगे करके दूंगा, एक मास्टरपीस बनाऊंगा जिसमें सब पूरे जितने भी चैप्टर है ना सबको पिक्चराइज करके आपको एक ही वीडियो में पूरे समझाऊंगा जितने हैं आपके। द स्ट्रीट इन अ लिटिल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन। विदेश का चैप्टर है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन अमेरिका। वर ब्रोकन इनटू स्ट्रिप्स। जो शहर है अमेरिका का वॉशिंगटन, वहां की जो गलियां हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में है। स्ट्रिप्स का मतलब होता पट्टी 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 पट्टी, क्या है? पट्टीदार है। वन स्ट्रीट क्रॉस इटसेल्फ वंस और ट्वाइस। एक ही गली अपने आप को एक दो बार काट देती है, ऐसी 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 खतरनाक मोड है। दे क्रिएटेड अ मेज फॉर न्यू विजिटर। नया कोई व्यक्ति आएगा वहां पे, वो रोड को समझ ही नहीं पाएगा। द आर्ट पीपल केम देयर एंड टर्न द क्वेंट ओल्ड ग्रीनविच विलेज इनटू अ कॉलोनी। बहुत ध्यान से समझो क्या क्या हुआ। ये जो कहानी है ये वॉशिंगटन की है। वॉशिंगटन में ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं और वो गलियाँ अपने आप को ही बार बार काट देती है, ऐसी ऐसी चलती है जिससे नए मुसाफिर को बड़ी दिक्कत जाती है। वो वहाँ पे अपना घर अच्छे से नहीं देख सकता है, कोई भी पता नहीं देख सकता। इट्स अ मेज। मेज मतलब बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। पीपल केम देयर, पर फिर भी कौन आते हैं? आर्टिस्ट लोग आते हैं और उसने उस गांव को क्या बना दिया? शहर बना दिया, बहुत बड़ी कॉलोनी बना दिया। यहां तक बात समझ में आई? छोटा सा शहर है पर आर्टिस्ट ने आके उसको कॉलोनी बना दिया। द टू यंग आर्टिस्ट नेम सू एंड जॉन्सी। दो आर्टिस्ट हैं, एक का नाम सू, एक का नाम जॉन्सी। टॉप स्टोरी ऑफ ओल्ड ब्रिक हाउस देयर। बड़े से घर में सबसे ऊपर रहते हैं। सू वॉज फ्रॉम मेन एंड जॉन्सी वॉज फ्रॉम कैलिफोर्निया। एक लड़की मेन से है और दूसरी आर्टिस्ट कैलिफोर्निया से है। कॉमन टेस्ट इन आर्ट। दोनों को एक ही कला पसंद है इसलिए उन्होंने स्टूडियो ज्वाइन कर लिया मई महीने में। इन नवंबर, ध्यान से देखना, मई में दोस्ती हुई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने बाद जॉन्सी फेल सीरियसली इल। क्या क्या हुआ? दो लड़की मिली, एक का नाम जू, एक का नाम सू, एक का नाम जॉन्सी। उन दोनों को एक ही समान की कला पसंद थी, दोनों में दोस्ती हो गई, एक ही फ्लैट में रहने लगे। अब 6 महीने बाद जॉन्सी को हो जाती है बीमारी। क्या हो जाता है? निमोनिया। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गई, इसको निमोनिया हुआ। शी कुड हार्डली मूव।
चल फिर नहीं पाती है। निमोनिया, निमोनिया एक बहुत तेज बुखार है, नथिंग मोर देन फीवर। बस बस निमोनिया मतलब बुखार। हाँ ये लड़की ने सीरियस ले लिया, वो चल फिर नहीं पा रही है। मैंने आपको बताया ना, साइकोलॉजिकल बीमारी बड़ी नहीं है। जॉनसी ने सोच लिया कि मुझे निमोनिया बहुत खतरनाक है, मैं मर जाऊंगी। निमोनिया नहीं मारेगा, जॉनसी की सोच उसको मारेगी। हर बेड वॉज नियर द विंडो, पलंग खिड़की के पास है। इट ओवरलुक द ब्रिक वॉल ऑफ द अपोजिट हाउस। शू वॉज डीपली वरुड। स्यू जो उसकी दूसरी सहेली है जॉनसी की, उसको बहुत बहुत चिंता हो रही है कि यार ये जॉनसी क्या कर रही है। शी सेंड फॉर अ डॉक्टर, जॉनसी के इलाज के लिए निमोनिया के एक डॉक्टर भेजा सू ने। बट द डॉक्टर टोल्ड सू दैट जॉनसी हैड लॉस्ट हिज विल टू लिव। जॉनसी हैज लॉस्ट विल टू लिव, यानी जॉनसी बीमारी की वजह से नहीं मरेगी, पर उसने जीने की आशा छोड़ दी। हर चांसेस ऑफ सर्वाइवल वर जस्ट 10%, 100 में 90% तो मर जाएगी। मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, दवाई गोली उसको बचा नहीं सकती। सू मेड हर बेस्ट एफर्ट टू मेक जॉनसी टेक इंटरेस्ट इन हर सराउंडिंग्स। सू चाहती है कि जॉनसी बच जाए। वो पूरी कोशिश कर रही है कि जॉनसी का जीवन में फिर से नई ऊर्जा आ जाए। शी टॉक टू हर अबाउट क्लॉथ, अबाउट फैशन, कपड़ों के बारे में बात करती है जो ट्रेंडिंग कर रही है, और फैशन के बारे में बात करती है। ड्राइंग बोर्ड लेके आती है, स्टार्टेड पेंटिंग। वाइल पेंटिंग शी विसल, सीटी बजाती है, पेंटिंग करती है, कपड़ों की बात करती है, फैशन की बात करती है। अरे कुछ तो बोल लड़की जॉनसी, कुछ तो बोल। अ वेरी ओल्ड आईवी क्लाइंब हाफ वे अप द ब्रिक वॉल। वाइन मतलब ये एक क्रीपर है, बेला है, आईवी की बेला है, ये आधा आधा रास्ते आ चुकी है दीवार पर। इट वॉज विंटर, इट्स लीव्स वर फॉलिंग। ठंड का मौसम है, पतझड़ लग गया, उसकी पत्तियां गिर रही है। जॉनसी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 12 डाउनवर्ड्स। जॉनसी बोलती है 12, 11, मतलब इतने दिन बचे हैं। शी आस्क व्हाट इट वॉज ऑल अबाउट, वो पूछती है सू के क्या है, बोले ये क्या तू कर रही है, 12, 11 क्या गिन रही है। जॉनसी टोल्ड हर दैट शी वुड पास अवे एज सून द लास्ट लीफ फेल, बोले जो मैं गिनती गिन रही हूं ना 12 से, ये मैं बता रही हूं कि अब मुझे जाना है। इट वुड हैपन इन 3 डेज, 3 दिन में मेरा काम लग जाएगा। जॉनसीज कंडीशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स विद द फॉलिंग ईच लीव्स फ्रॉम द आईवी। जैसे जैसे आईवी की पत्ती गिरती है, वैसे वैसे जॉनसी का जीवन के प्रति एकदम निराशा आ जाती है, और वो बोलती है कि अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी। सू कॉल्ड हर आइडिया नॉनसेंस बट कुड नॉट गेट इट आउट जॉनसी माइंड। सू समझती है कि ये बिल्कुल बेहुदी बात है, पर उसके दिमाग से बात वो निकाल नहीं पाती है। शी टोल्ड हर इन वेन दैट शी वुड बी ऑल राइट। वेन का मतलब होता है बिल्कुल बिना सोचे समझे और बिना कोई ठोस सबूत के, बस ऐसी बोल दिया कि तू बच जाएगी, मत चिंता कर। जॉनसी बिगेन टू प्रिपेयर फॉर डेथ। जॉनसी समझ गई कि अब तो मुझे मरना है। शी थॉट ऑफ अ प्लान टू सेव हर फ्रेंड्स लाइफ। सू ने प्लान बनाया अपनी सहेली को बचाने का। यहां तक के फट से कहानी समझो, बोलो एक सू है और बोलो एक कौन है, जॉनसी है। ये सू ने देखा जॉनसी की दोस्ती हो गई सेम आर्ट के कारण। 6 महीने बाद जॉनसी को क्या हो गया, निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है, पी से, पी एनी निमोनिया, उसको जाता है निमोनिया। किसको, जॉनसी को। और जॉनसी बोलती है अब तो मुझे जाना है। जैसे ही आईवी की लीव गिरते जाती है, जॉनसी बोलती है कि अब मैं जाऊंगी, अब बची है आखिरी पत्ती। जॉनसी हैड फॉलन लास्ट नाइट, शी वेंट टू ब्राह्मण। अब जाती है सू किसके पास, ब्राह्मण के पास। ये कौन है, ओल्ड पेंटर। 3 कैरेक्टर है, एक सू है, एक जॉनसी है और एक ब्राह्मण है। ये बिल्कुल पिक्चराइज होगा एक ही वीडियो में, पूरे चैप्टर की फोटो के रूप में, पी पी पी
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहेगा, बिल्कुल एक बार में आपको पूरा समझ में आएगा, पर अभी नहीं, अभी नहीं, ये वाले वीडियो में नहीं, आगे करूंगा। ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब वो किसके पास जाती है? बर्मन के पास जाती है, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। यहां पे तीसरा करेक्टर आया बर्मन। ही हैड अ हार्टी डिजायर टू पेंट अ मास्टरपीस। जैसे मेरे दिल में डिजायर है कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा कि एक ही वीडियो पूरे चैप्टर को समझा देगा जितने भी किताब में है क्लास टेंथ की। ऐसे ही ब्राह्मण के मन में डिजायर था कि एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा कि सब उसकी बात करेंगे, तारीफ करेंगे। हाउएवर ही हैड नो सक्सेस सो फार। पर बेचारे को अभी तक के ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली, ब्राह्मण को नहीं मिली। ही शी अप्राइज ब्राह्मण अबाउट जॉनसीज फैंसी। सू बोलती है ब्राह्मण को कि जॉनसी सोचती है कि ये लास्ट पत्ती गई, कि वो काम लग गया उसका। बर्मन फॉलोड सू टू देयर रूम। जॉनसी वॉज स्टिल स्लीपिंग। वो आता है कमरे में, जॉनसी अभी भी सो रही है। द ईवी क्रैपर हैड ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट। वो ईवी क्रीपर पे एक ही पत्ती है, बाहर बारिश हो रही है और वो पत्ती भी गिर गई, हो गया खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय, हो गया। आखिरी पत्ती भी गिर गई। पर ब्राह्मण पेंटेड अ लीफ इन ग्रीन कलर। जॉनसी को नहीं पता आखिरी पत्ती गिर गई, जॉनसी सो रही है। ब्राह्मण ने अपना पेंट ब्रश उठाया, पुताई का ब्रश उठाया, वो क्या है दीवाल पे है ना बेला, तो वो दीवाल के ऊपर जाके उसने पत्ती की पेंटिंग बना डाली। इट लुक एग्जैक्टली लाइक द रियल लीफ। सोई थी जॉनसी, पेड़ कहां पर है, बेला कहां पर है, दीवाल पे है, दीवाल के ऊपर ब्राह्मण ने लेडर निशानी लगाई, ब्रश उठाया और दीवाल पे पत्ती बना दी। जॉनसी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जॉनसी उठी, शी बिगेन टू वेट फॉर द लास्ट लीफ टू फॉल। बोले अब तो आज अपने को जाना है। शी सॉ आउट ऑफ द विंडो एवरी आवर बट इट डिड नॉट फॉल इवन द स्टॉर्मी इवनिंग। जॉनसी बाहर घड़ी घड़ी जाती है, देखती है, पर वो पत्ती गिरी नहीं रही है, तूफान आया तो भी। दिस रिवाइव्ड अ विल टू लिव इन जॉनसी। जॉनसी को रिवाइव मिल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी खबर। हमारे चैनल पे कुछ पबजी प्लेयर आके बोल रहे हैं जॉनसी को रिवाइव दे दिया ब्राह्मण ने, बहुत बढ़िया, जय पबजी। जॉनसी को रिवाइव मिल गया, कौन ने रिवाइव दिया, ब्राह्मण ने रिवाइव दिया। कैसे रिवाइव दिया? एक लीफ बना के। जॉनसी एक्यूज्ड हरसेल्फ, शी फेल्ट दैट इट वाज सिन टू वेट टू डाई। अब जॉनसी बोलती है ये तो बड़ा पाप है कि मैं मृत्यु का इंतजार कर रही थी और मृत्यु चाह रही थी। न्यू होप, उसके मन में नई उमंग आ गई। शी टुक लॉट्स ऑफ सूप। उसने बहुत ज्यादा गर्म सूप पीना शुरू कर दिया। हर कंडीशन बिगेन टू इम्प्रूव और वो आउट ऑफ डेंजर आ गई। उसके बाद जब वो अच्छी हो गई तब शू ने बताया कि जो लास्ट लीव थी वो पेंटिंग थी ब्राह्मण की। ब्राह्मण वर्कड इन द रेन ड्यूरिंग द नाइट एंड कॉट निमोनिया, इट वॉज हिज मास्टरपीस। ब्राह्मण ने तेरे लिए रात भर जाग कर बारिश में बनाया वो मास्टरपीस। अब फटाक से इसकी समरी देखेंगे हिंदी में। वॉशिंगटन के पश्चिम में एक छोटे जिले की गलियां टूटी हुई और शाखाओं में बटी हुई थी। गलियां कैसी है? टूटी हुई है और शाखाओं में बटी हुई है। एक ही गली स्वयं को एक या दो बार पार कर जाती थी, नए आगंतुक को धोखा देती थी। कलाकार लोग वहां आते थे और उन्होंने इस विचित्र ग्रीनविच गांव को बसाकर कॉलोनी बना दिया। ईंटों के एक पुराने घर की सबसे ऊंची मंजिली पर स्यू तथा जॉनसी नामक दो युवती कलाकार रहती थी। एक लड़की मेन से थी और एक कैलिफोर्निया से थी।
कला में समान रुचि के कारण दोनों मई में इकट्ठा स्टूडियो ले लिया था, एक ही कमरा दोनों ने ले लिया था। नवंबर में जॉन्सी बहुत बीमार हो गई, उसको निमोनिया हो गया, बिना हिले लेटी रही, पलंग खिड़की के पास था, घर की ईंटों की दीवार पर नजर आती थी, बेहद परेशान थी। उसके डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बताया कि उसकी जीवित रहने की इच्छा चली गई, केवल 10% है, दवाई कुछ भी नहीं कर सकती। भरसक पूरे प्रयत्न किए ताकि जॉन्सी की बातें में रुचि ले, कपड़ों की बात की, फैशन की बात की, यहाँ वहाँ हर जगह की बात की, ड्राइंग बोर्ड भी जॉन्सी के कमरे में ले गई, पेंटिंग करना चालू किया, सीटी बजाना चालू किया। आईवी की बेल दीवार पर चढ़ी हुई थी, बहुत पुरानी आईवी की बेल आधी दीवार पर चढ़ी हुई थी। शीत ऋतु थी, पत्ते गिर रहे थे, बाहर से नीचे की तरफ उल्टी गिनती गिन रही थी, अब क्या है। जॉन्सी ने उसे बताया कि, क्या बताया जॉन्सी ने, जॉन्सी ने बताया कि जैसी ऑलवी का अंतिम पत्ता गिरेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी।